गए हो क्या? अगर पिशी आई है तो जाकर अपनी अम्मी को बोलो मैं क्या करूँ। मेरी अम्मी सो रही हैं। ओ रियली? वो सो रही हैं और तुम उन्हें उठा नहीं सकते हो, है ना? लेकिन डेफने तो बिल्कुल फारिग है। वैसे शाबाश है, तुम्हारी अम्मी सो रही है, तुम्हें पिशी आई है तो तुम दीवार फलांग के यहाँ तक आ गए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझे परेशान करते हुए। उफ, पागल हो जाऊंगी मैं। चलो करो, तुम भी ना मुसीबत बन गए हो। मैंने सोच लिया कि तुम्हारा कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। सोच रही हूँ कि दरवाजे को ही ताला लगा दूं। ऐसी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आप बहुत बोलती हैं डाफने फूफो। क्या क्या कहा तुमने? हाँ ऐसे करो। क्या मसला है यार, मेरी नाइट शिफ्ट है, तुम लोग मुझे सोने ही नहीं देते। एसगी, क्या तुमने इससे कहा है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ? क्या, किसने कहा? मैंने कहा? कोई आया है। एसगी सबर, तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। इतने छोटे बच्चे के साथ गिबतें करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जो भी हो सही वक्त पर आया हो। दोरक कहाँ है? यहाँ है क्या? और भला कहाँ जाएगा, वो यहीं पर है। कैसी हो आपा? ठीक, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम यूनिफॉर्म में ही सो गई थी? नाइट शिफ्ट के बाद कहाँ याद रहता है चेंज करना। लैला, सुबह सुबह तुम्हारे बच्चे ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं सोते में डर गई और मेरा सर जो है वो छत से टकराने वाला था अगर फट जाता। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना क्या फुप्पो के बिस्तर पर मत उछलना। हाँ ऐसे क्यूट बनने की जरूरत नहीं है, इतने मासूम नहीं हो तुम, सब जानती हो मैं तुम्हें, शरारती हो तुम बहुत ज्यादा। ट्राई करूंगी मैं तुम्हारी। मुझे तंग करोगे? मॉन्स्टर कहीं के, मुझे तंग करोगे तुम? हाँ लड़की जरा टाइम तो देखो तुम। डेफने, तुमने आज भी अलार्म नहीं लगाया? क्यूट हो मगर। बेबी, तुम अपने जॉब के पहले ही दिन लेट होना चाहती हो क्या? जॉब? हाँ जॉब, आज तो मेरी जॉब का पहला दिन होना चाहिए था ना। कसम से तुम लोगों ने तो मुझे सब कुछ भुला दिया है। उल्टी सीधी बातें करते हो, सुबह सुबह आकर मेरा दिमाग खाते रहते हो, अब मुझे जाना है, देर हो रही है। सुना तुमने, ये हमें इल्जाम दे रही है। चलो अंदर चले। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ पापा? उसका ड्रेस। स्वीटी, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई ड्रेस होगा, पहले ही दिन इंसल्ट हो जाएगी। सुन लिया है मैंने। वे अपनी हालत तो देख लेते, क्या हाल हो गया तुम्हारा? दानिश बस कर दो यार, सुबह तक मैं एरर कोड्स ढूंढने में लगा हुआ था। कुछ मिला फिर? नहीं। क्या करोगे, प्रेजेंटेशन में तो बहुत कम वक्त रह गया। नहीं मालूम दानिश, नया प्रोग्रामर आज काम शुरू कर रहा है, क्या पता वो कोई एरर ढूंढ दे। ओ यानी जो काम मैं नहीं कर सका वो एक फ्रेशर करके दिखाएगा। तुम भी कमाल करते हो दानिश। यार हो सकता है वो कोई अकलमंद प्रोग्रामर हो, ग्लोबल कम्युनिटी प्रोजेक्ट में काम किया है उसने, यार कुछ तो आता होगा उसे। यार अब ऐसी भी क्या बात हो गई है। बहुत ओवरड्रेस लग रही हूँ मैं। डेफने मेरी जान, अरास्टेक किसी गांव की आईटी कंपनी है क्या? नहीं तो, शहर की ही है। तो फिर मैडम, मुझसे एक मिनट के लिए भी इसमें सांस नहीं लिया जा रहा, तुम ये सब कैसे पहनती हो? हाँ मेरी जान, प्रेगनेंसी से पहले मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा पतली थी, सच कह रही हूँ। उतार रही हूँ इसे, क्योंकि मैंने एक मिनट भी ड्रेस और पहना तो फट जाएगा ये। खोलो। बेबी कितना अच्छा तो लग रहा है यार ये। वैसे भी तुमने मुझसे उस दिन खुद ही तो कहा था कि अरास्टेक वाली लड़कियां तो बिल्कुल फैशन मैगजीन की तरह लगती हैं, और तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल वहाँ लूजर लग रही थी, कहा था ना? कहा था। हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन ये सब पहनना इतना आसान नहीं है। और किसने कहा कि मैं ये पहन नहीं सकती? मैं बिल्कुल पहन सकती हूँ और मैं पहन के दिखाऊंगी। अजीब बातें करती हो तुम भी। मुझे पता है तुम पहन लोगी, ये लो। लाओ, हो गई तैयार। Excuse me. Good morning, team. What's up? ये क्या है? हाँ क्या क्या है ये?
ड्रेस है। ओ रियली, इतना छोटा ड्रेस? उफ भाई यार, दोबारा शुरू मत होना प्लीज। यशम, अरे दानिश तुम भाई को समझाया करो ना। वैसे इनकी वो वन नाइट गर्लफ्रेंड्स भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है ना, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस। हाँ, इसीलिए तुम्हें उन जैसा बनने की जरूरत नहीं है। भाई बात सुनो, बहुत ही फजूल बंदे हो तुम। मैं प्यारी लग रही हूँ ना? मैं एसकी बताओ, अच्छी लग रही हूँ ना? मुझे तो लग रहा है मैं अपनी ही फैन बनती जा रही हूँ। वैसे लैला, तुम्हें अब अपने सारे शॉर्ट ड्रेसेस मुझे दे देने चाहिए, मुझ पे अच्छे लगते हैं ना। इसे शॉर्ट ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं कहते बेबी। वैसे तुम पे तो लॉन्ग शॉर्ट हर चीज बहुत अच्छी लगती है मेरी सेक्सी भाभी। पोपो, अम्मी को सेक्सी ना कहे वरना बाबा गुस्सा हो जाएंगे। तुम्हारे बाबा मुझ पर अब गुस्सा नहीं कर सकते मेरी जान, क्योंकि मैं उनसे डिवोर्स ले चुकी हूँ। पापा चलो अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी, सोना भी है मुझे। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। अरास्टेक इंतजार करो, डेफनी बरोची आ रही है। चलो रुको, चलो। सिनान चाचू आ गए, सिनान चाचू आ गए। मेरा शेर, मेरा बच्चा, कैसा है? आ गए तुम्हारे अंकल। ये क्या पहना हुआ है? भाई मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे देर हो रही है, प्लीज जाने दें। ओके बाय। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, यहाँ अंदर कमरे में जाओ और जरा ढंग के कपड़े पहन कर आओ। समझ में आई बात तुम्हारे? और तुम बात सुनो लैला, तो मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चा यहाँ खड़ा है। आइंदा अगर इसे ऐसे कपड़े दिए तो मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए, सुन लिया? कैसा मसला होगा जरा बताओ तुम मुझे, जब मैं तुम्हारे भाई को छोड़ चुकी हूँ तो तुमसे क्यों डरूं? भाभी बच्चे के सामने ऐसी बातें करेंगी, बहुत अच्छे डिवोर्स और पता नहीं क्या क्या, जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हद हो गई है यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर। भाई डोंट बी सिली, आपको पता है कि मैं अरास्टेक जा रही हूँ, वहाँ कितने बड़े लोग आते हैं, अगर मुझे उन कपड़ों में देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे मेरा, क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? उन घिसे पिटे कपड़ों में क्या कोई मुझे इज्जत देगा? आप ये भी तो सोचें कि मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे जाने दें। खामोश। हाँ मगर। मैंने कहा खामोश हो जाओ। उफ। बात सुनो, तुमने कहा तुम फैमिली बिजनेस नहीं करोगी, ठीक है? मैंने तुम्हें इजाजत दे दी कहीं और काम करने की, लेकिन इस होलिये में तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो डेफने, तो चुपचाप अंदर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर वापस आओ। भाई आप मेरी, डेफने बात सुनो मेरी, या तो तुम अंदर जाकर अभी कपड़े बदलोगी वरना तुम्हारी जॉब का प्लान खत्म आज से। उफ, कहाँ फंस गई हूँ मैं, क्या बना दिया है मुझे? तो क्या बनना है तुम्हें, नॉर्वेजियन लड़की? इद्रीस, अच्छा तुम बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि इन लड़कियों का ध्यान रखना है, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ सिनान, इद्रीस कहना इसे बंद करो, इसका नाम दोरुख है। ओ हाँ हाँ, जो भी है, मेरा बच्चा, माय स्ट्रॉन्ग मैन। चलो पंच मारो ऐसे 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 जोर से मारो, शाबाश शाबाश, और दो शाबाश मेरे शेर। अब तक चेंज नहीं किया? ओह आई एम सो सॉरी भाईजान, दरअसल मैं भूल गई थी कि यहाँ पर मेरा एक सड़ियल सा भाई भी मौजूद होता है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग ड्रेस लेकर ना बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। सॉरी। यशम, यू आर लकी कि अभी हमें ये एरर दूर करना है, वरना मैं अभी जवाब देता तुम्हें। मैं तुम्हें अभी जवाब देते। चलो बताओ, कुछ हल मिला क्या? नहीं, नहीं मिल रहा। वो वैसे क्यों ना हम पोस्टपोन कर दें प्रेजेंटेशन, मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को फोन कर दूं क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसी हफ्ते का वादा किया उनसे। उस नए प्रोग्रामर को देखने दो, क्या पता कोई हल मिल जाए। और इंटरव्यू में सबसे पूछा गया था, सबने प्रीवियस प्रोजेक्ट में ऐसे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है। ऑलरेडी 9 बज रहे हैं दानिश, प्रोग्रामर इतना जिम्मेदार होता तो पहले दिन वक्त पे तो आता एटलीस्ट। पहुंच जाएगा यार, ट्रैफिक जाम का हिसाब तो पता है ना तुम्हें? क्या मुसीबत है ये, पता नहीं किस घर में पैदा हो गई हूं मैं। इस तरह के कपड़ों में जाऊंगी तो एक दिन भी नहीं रखेंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। मुझे तो लगता है अंदर दाखिल भी नहीं होने देंगे, ऐसा लगता है कि मेरा भाई चाहता ही नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। पता नहीं मेरा सगा भाई है या सौतेला। डेफने, कहीं जगह देखकर चेंज कर लेना, अब उठाओ इन्हें कहीं सिनान ना देख ले। थैंक यू।
इतनी प्यारी भाभी कैसे मिल गई, मुझे समझ में नहीं आता। थैंक यू लैला, लव यू सो मच। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो पता नहीं क्या होता। अब तो जाओ, भागो भागो। ओके बाय। यार बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो रहा। यार फिर क्या करेंगे? दानिश, क्या तुम्हें लगता है कि वो जो नया प्रोग्रामर है वो ये सॉल्व कर सकेगा? मालूम नहीं यार, मैंने बस उसकी रिपोर्ट्स देखी थी, बाकी बस उम्मीद कर सकते हैं। कैसी उम्मीद यार, टाइम तो देखो 10 बज रहे हैं, ऑफिस के पहले दिन ही वो फायर होने वाला है। उफ अल्लाह, देखती हूँ आखिर कौन है। अजीब लोग हैं, इन्हें जरा एहसास नहीं। अभी बताती हूँ है कौन। नीचे करो, बात करनी है मैंने तुमसे। क्या क्या मसला है तुम्हारे साथ? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें पता नहीं है कि अगर सिग्नल ग्रीन हो तो आगे बढ़ना होता है? यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे किसी दावत में आए हो। निकलो यहाँ से फौरन। क्या हुआ, क्या मसला, इतनी जल्दी किस बात की है? जा रही हूँ। अजीब, किस किस्म के लोग हैं यहाँ? अच्छे खासे इंसान का मूड खराब कर दे। इतना सा भी काम नहीं हुआ भाई, अगर नए इंजीनियर को फारिग कर दोगे तो कौन करेगा ये सारा काम? हा? हद है, जैसे वही एक प्रोग्रामर बच गया हमारे लिए, वो नहीं तो किसी और को हायर कर लेंगे, इतना भी काल नहीं पड़ा मार्केट में। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो यही है ना। सुना है इंटरव्यू में तो इम्प्रेसिव थी वो। वो लड़की है, आईटी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ लड़की हायर की है दानिश। लड़की यानी वाकई लड़की। ओ बस वाले, मसला क्या है? रुको, तुमसे बात कर रही हूँ। अभी बता, भाग कहाँ रहे हो तुम? हाँ, इससे तुम्हारे इस बस का शीशा तोड़ दूंगी मैं। रुको सर। लड़की, आईटी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ लड़की हार की है दानिश। लड़की, वाकई लड़की, क्या है ये? क्यों भाई, अना पे जर्ब पर आ गई आपके? शुक्र करो कि लेट है वो, वरना अब तक उसका टर्मिनेशन लेटर भी मिल चुका होता उसे। समझ गई तुम? अरे यार नाराज क्यों होते हो, वो कंप्यूटर साइंस की टॉपर बंदी है, ऑलरेडी सोर्स कोड प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है। उसकी रिपोर्ट्स बहुत शानदार थी और सच कहूं तो उसके प्रोजेक्ट्स हैरतअंगेज थे, बहुत खूबसूरत और स्मार्ट थी, ग्रेट कॉम्बिनेशन, आई एम सरप्राइज्ड। हाँ खूबसूरत, सुना तुमने, यही तो सबसे अहम बात है, इसलिए तुमने हायर करवाया होगा क्योंकि वो खूबसूरत है। यार अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, सुबह से उसी के राग अलापे जा रहे हो, ये किया तुमने दानिश। बस करो यार, मैंने सिर्फ उसकी रिपोर्ट्स की बात की है, मैंने कहा उसका काम अच्छा है, और क्या कहा मैंने। मैं बैंक जा रहा हूँ, एक घंटे में आ जाऊंगा। जाने मन, कितनी खूबसूरत हो तुम। अरे नहीं यार, हेलो सफर उस्ताद, मेरी गाड़ी का ऑयल लीक कर रहा है यार। हाँ नहीं बहुत ज्यादा। हाँ ऑयल प्लग टाइट करना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो ओके।
हद हो गई यार, हद है। मदद कर दूं क्या? खबरदार, अगर तू मेरे करीब भी आया तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। दूर रहना मुझसे। खैर तो है ना मोहतरमा, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मुझे पागल कह रहे हो? अगर मैं पागल हूँ तो तुम सुपर पागल हो। देखो तो जरा, इन्हें लड़कियों को देखने के लिए गाड़ी के नीचे छुपे बैठे थे, पार्किंग लॉट साइको, बिल्कुल मर्डरर की तरह। हाँ, मैं पागल हूँ और तुम तो बहुत अकलमंद हो ना, जिस तरह पार्किंग में कपड़े बदल रही हो, है ना? क्योंकि हमारी फर्म की पार्किंग तो बस इसी काम के लिए रह गई कि यहाँ लड़कियाँ आए और कपड़े चेंज करती फिरे। तो बात सुनो, अगर ऐसा है ना तो मुझे भी सुपर पागल कातिल वगैरह बनने में कोई मसला नहीं है। ओह माय गॉड, जिंदगी में पहली बार किसी को खुद से ज्यादा बोलते हुए देख रही हूँ। हाँ, इतना बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं गुस्से में बोल जाता हूँ शायद। यानी तुम ऐसे वैसे नहीं, यहाँ काम करते हो? हाँ, और तुम यहाँ क्या करने आई हो? लाओ, कर देता हूँ। खबरदार जो हाथ लगाया। ए, सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी, वरना इसी तरह मेंढक की तरह उछलती रहोगी यहाँ पर। एक्चुअली तुम डरपोक हो, है ना? नहीं हूँ मैं डरपोक। अपने इन ऑयल वाले हाथों से अगर मेरी शर्ट बंद करोगे तो गंदी हो जाएगी ना। ओ हाँ, सॉरी, एक मिनट। ख्याल से निशान ना आए कपड़ों पे, समझे? अब क्या इतना कीमती ड्रेस है तुम्हारा? हाँ, इतना कीमती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ओह रियली? बताओ तो जरा क्या कीमत है? कल रात को भाई को पपराजियों ने पकड़ लिया था। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। हद हो गई यार, क्या करते हो तुम लोग? मैंने क्या किया यार, तुम्हारे भाई को पकड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, मैं उस लड़की के साथ चला गया और यालिन अपने घर और सुबह तक एरर ढूंढने में लगा रहा। अरे भाई, 24 घंटे या तो काम या फिर लड़कियाँ। तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? क्या ख्याल है, तुम दोनों की शादी करवा दूं? मेरे बारे में मत सोचना, तुम यालिन की फिक्र करो, वैसे भी बड़ा है वो। हाँ सही कहा, बड़ों की वैसे पहले होती है ना। क्यों ना हम दोनों मिलकर भाई के टेस्ट की कोई लड़की ढूंढ ले। उसके लिए लड़की और कितनी देर लगेगी? फंस गई है कहीं। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? यार मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम्हें लग रहा है कि तुम इतनी हॉट हो कि मैं ऐसे बहाने करूंगा। लो हो गया। फट तो नहीं गई है ना मेरी ड्रेस? नहीं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? वैसे तुम यहाँ कपड़े क्यों बदल रही थी? क्योंकि दिल चाह रहा था मेरा। अब रास्ते से हटो, देर हो रही है मुझे। किस बात के लिए देर? क्योंकि तुम्हारे बॉस ने बुलाया है मुझे, दानिश साहब वेट कर रहे हैं मेरा। और दानिश से क्यों मिलना है तुम्हें? तुम्हें क्या है? ये मिनी ड्रेस तुमने दानिश के लिए पहना है क्या? ऐसे इंप्रेस करोगी उसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस तानियों वाले कपड़े में डेफने को कोई भी नहीं देखना चाहता, मैं खुद को नहीं देखना चाहती। और अगर दानिश मेरी तरफ देखेगा नहीं तो मुझे जॉब पर कैसे रखेगा? और यहाँ किस्मत देखो कि तुम मिल गए हो, और तुमने यहाँ मेरे साथ एक अलग इंटरव्यू शुरू कर दिया है। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितने लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा, उस फर्म में मुझे जाना है अभी। डेफने, हाँ? थोड़ा सांस ले लो। क्या मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था? अभी किसी ने कहा था, क्योंकि उस तानियों वाले ड्रेस में डेफने को कोई देखेगा भी नहीं।
वैसे तुम कबायली हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला? हाथ में पाना लेके घूमने वाले या तो मिनी बस ड्राइवर होते हैं या फिर कबायली। बहुत फनी था। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारे बॉस को इम्प्रेस कर लूं मैं। बगैर जूतों के इम्प्रेस करने वाली हो क्या उसे? मुसीबत है यार। चाहिए आपको? सलाम, मेरा नाम डेफने है और मुझे आज आईटी प्रोग्रामिंग के लिए ज्वाइन करना था। दानिश साहब ने मुझे खुद कॉल की, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ अच्छा है सब तो आप हैं वो न्यू इंजीनियर? असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजर सेल्स हूँ मैं यहाँ पर, यशिम आरास। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे मैडम। यशिम, ठीक है, सॉरी यशिम, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू डेफने। तो वैसे इंटरव्यू पे तो मुलाकात हुई नहीं, मगर मुझे तुम्हें देखकर इतनी ज्यादा खुशी हुई है ना कि कोई तो लड़की हायर की इन्होंने। लेकिन क्या तुम बहुत लेट हो गई ना, बॉस गुस्सा हो गए और दानिश को कहा कि तो क्या मुझे निकाल भी दिया? जी जी कहिए काउंसलर। ये क्या तरीका है बेटा, मुझे अंकल यासिर कहा करो। ये बताओ कि दादा कैसे हैं तुम्हारे? जी दादा बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं अंकल? शुक्र है अल्लाह का, बस गुजर रही है। ये बताओ कि काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? इस हफ्ते प्रेजेंटेशन ला रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल ला रहा हूँ, काम चल रहा है उसपे। चलो फिर मिलते हैं, इंतजार रहेगा मुझे। ख्याल रखना अपना और दादा को सलाम कहना। जी जी जरूर अंकल, खुदा हाफिज़। यकीन नहीं आ रहा है मुझे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। असल में सब कुछ मेरे भाई की वजह से हुआ है। जरा सी भी अकल नहीं है उन्हें। घर से निकलते हुए उन्होंने मुझे टोका और कहा कि कपड़े बदल लो पहले, उन्हीं की वजह से हुआ है ये। वेट अ मिनट, रुको जरा, ये बताओ कि तुम्हारे भाई को भी तुम्हारे कपड़ों से मसला होता है क्या? हाँ, और जरा सोचो 21वीं सदी में रह रहे हैं हम। बताओ, निकलते निकलते रोक लिया उन्होंने मुझे, कहने लगे कि ये छोटे कपड़े उतारो और दूसरे पहनो। कोई यकीन कर सकता है उन्हें ये शॉर्ट लग रहा था? यानी अब इतना छोटा भी नहीं है ये। आजकल तो सब ऐसे ही पहनते हैं, एक सिर्फ मैंने ही तो नहीं पहना, तुमने भी तो इसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं, देख लो जरा। लेकिन मेरे भाई को सिर्फ मेरे ही कपड़ों से प्रॉब्लम है। मेरी कबर्ड में घुस के अपनी तरफ से अपनी पसंद के इतने गंदे कपड़े निकाल के दिए कि ये पहन के ऑफिस चली जाओ। अब तुम ही बताओ, उस तरह के कपड़ों में मैं ऑफिस आ सकती थी भला? और उन कपड़ों में यहाँ आती तो शायद मुझे नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी भाभी ने मुझे ये ड्रेस दे दिया। अभी मैं इस मसले से निकली ही थी कि एक और रास्ते में वो अरे तुम हंस क्यों रही हो? मैं तो बिल्कुल सीरियस बोल रही हूँ। अब क्या बताऊँ तुम्हें कि रास्ते में मुझे एक अजीब सा लड़का मिला जिसने मेरा इतना दिमाग खाया कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। फजूल इंसान। मेरे भाई भी बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करते हैं। सुबह से मुझे बोले चले जा रहे हैं कपड़े चेंज करो। क्या वाकई ऐसा? हाँ। दानिश साहब ने, वैसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर भी इस किस्म की बातें हो सकती हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया? एक तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ और बोलने से पहले सोचती भी नहीं हूँ कि क्या बोल रही हूँ मैं। तुमने जो कुछ कहा है सब कुछ सही कहा, वाकई में अच्छा लगा। अच्छा पता है आजकल तुम जैसे सच्चे इंसान मिलना कितना मुश्किल होता है यार, बहुत प्योर हो तुम, बहुत। थैंक यू सो मच। भाई तुम्हें दानिश बहुत अच्छा है, आई मीन दकियानूसी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन जैसे भाई है ना, मेरे छोटे कपड़े ना पहनो ये ना करो, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल। वैसे दानिश ना मेरा भाई नहीं है, हम दोनों कजन्स हैं। मैं असल में यालिन की बहन हूँ। यालिन नाराज सीईओ जो है, यानी यहाँ के बॉस ही इस तरह के हैं। शुक्र है कि मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसका बॉस ऐसी सोच का हो, है ना? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें दानिश के रूम में ले चलती हूँ। हाँ
पहले हम उससे मिलेंगे और समझाएंगे तो हो सकता है कि वो यालन का माइंड चेंज करने में हमारी मदद करे। और अगर बहुत ज्यादा बहस और मुबाइसे के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो आगे देखेंगे क्या करना है। क्या वाकई ऐसा करना चाहिए? डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। मतलब इतने सालों से हैंडल कर रही हूँ ना। सही कहा ना, तुम्हें भी सिखा दूंगी। अरे तुम्हें यही काम करना चाहिए यार, रियली तुम बहुत डिजर्व करती हो। चलो 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 चलो, खुदा करे कि तुम्हारा प्लान सही हो। मुझे तो घबराहट हो रही है, बस ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। अरे ये सब क्या चल रहा है दानिश? तुम अपने केबिन में जाओ बुर्जू। सब ठीक तो है यशिम? यहाँ आने की क्या वजह है? तुम जानती नहीं हो हमने तुम्हें फायर कर दिया है। आप लेट हो गई हैं, पहला दिन था आपका यहाँ। इंटरव्यू रिपोर्ट से तो बहुत कॉम्पिटेंट लगी थी मुझे, लेकिन मतलब अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो पहले दिन इतना लेट कोई कबूल नहीं करता। हाँ लेकिन बहुत बड़ा रीजन है इसके पास। क्या था वो बड़ा रीजन? मेरे भाई की तरह का एक बहुत बड़ा खड़ूस भाई। मैं समझा नहीं। मैं समझा दूंगी, लेकिन उससे पहले क्या तुम डेफने को इस प्रोग्राम के एरर्स ढूंढने दोगे? और अगर डेफने यहीं बैठे बैठे वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दे तो फिर क्या तुम उसे यहाँ काम करने का मौका दोगे? और उसके बाद डेफने के बारे में यालिन से बात करोगे? बताओ क्या ख्याल है, डील और नो डील? डेफने, तुमने ऐसा क्या कर दिया इस पर? क्या तुम दोनों एक टीम बन गई हो? पहले आप हाँ तो कर दें, एरर को ठीक करने के बाद क्या यहीं रहूंगी मैं? हाँ पहले ढूंढो फिर देखेंगे। चलो चल के ढूंढते हैं कि कहाँ काम करना है। चलो जल्दी चल, बाय। ये अभी भी यहीं खड़ी है। शाहिन, मिस्टर दानिश के मेहमान आए हैं क्या? नहीं मालूम मुझे सर, अगर कहे तो जाके देख लूं। नहीं रहने दो। तो तुम यहाँ काम करते हो? हाँ हाँ। तो यहाँ कौन से डिपार्टमेंट में हो, सिक्योरिटी गार्ड या हेल्पिंग वगैरह में? डेफने मेरी जान, तुम मेरे भाई से नहीं मिली थी ना पहले? ये है मेरा भाई यालिन अरास। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मैंने जिसके लिए पूरा दिन इतनी मेहनत की वो ये गधा निकला। ओह दोबारा नहीं। बस करे, अगर आपने मुझे घर पर ही वो ड्रेस पहनने दिया होता और ना ही ये सारा ड्रामा होता। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अब आप दोनों बेशक एक दूसरे की जान क्यों ना ले लें।